फाइनली गाइस, मैंने अपने फ़ोन को एंड्रॉयड 11 के साथ अपडेट कर लिया है। गाइस, आप यहां पे देख सकते हैं, मैं आपको सेटिंग में जाके दिखा देता हूं पहले एंड्रॉयड वर्ज़न कौन सा है मेरा। आप डायरेक्ट में सर्च कर लेता हूं यहां पे। तो यहां पे गाइस, आप यहां पे देख सकते हैं एंड्रॉयड 11 हो गया है मेरा फ़ोन अपडेट। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस कि क्या क्या हम लोग को इस पर फीचर्स देखने को मिले हैं अपडेट के बाद, और पहले से जो इंटरफेस है वो कैसा है, और मतलब ठीक ठाक है कि नहीं, पहले से अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। और साथ में इस बैटरी कितना ड्रेन हो रहा है, ये सब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, जहाँ पे आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आई बटन में मैं उसको ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले गाइस, लॉक करें अपन फ़ोन को। तो पहले एक इंटरफेस आता था गाइस यहाँ पे, कि अगर हम लोग यहाँ टैप करते थे तो जो ये सब आइकॉन्स जो दिखते थे हम लोग को, नोटिफिकेशन बार, वो इस टाइप से आते थे, लेफ़्ट टू राइट आते थे, पर अब ये ऊपर से नीचे हो गए हैं। गाइस, आप लोग बताना कि आपको ये फ़ीचर कैसा लगा, क्योंकि गाइस मुझे पहले वाला फ़ीचर ज़्यादा पसंद था, और अभी अगर म्यूज़िक ये सब है, आप उसको यहाँ पे और भी अगर कुछ आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हो। और वहीं गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग में, यहाँ पे जो भी आपको ऐड करना है आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। और गाइस, सबसे जो इंटरेस्टिंग फीचर है गाइस, यहाँ पे हम लोग को एज पैनल देखने को मिलता है गाइस। यहाँ से आप अगर इसको ऑन करना चाहते हैं, तो पहले मैं ऑन कैसे करें वो बता देता हूँ। आप सेटिंग में जाइए, देन डिस्प्ले में जाइए गाइस। डिस्प्ले में आपको यहाँ पे एज पैनल दिखेगा, पहले एज पैनल नहीं दिखता था गाइस हम लोग को, तो अभी अभी एज पैनल आया है यहाँ पे। तो एज पैनल के थ्रू गाइस, अगर इसको आप लोग ऑन करेंगे तो साइड में छोटा सा आपको पैनल दिखेगा, यहाँ पे छोटा सा लाइन आपको दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, यही चीज़ है गाइस। सिर्फ इसी जगह पे अगर हम लोग जैसे यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो एज पैनल खुल जाएगा। और गाइस, यहाँ पे हम लोग कुछ भी चीज़ सेटिंग में रख सकते हैं, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से। इसके थ्रू हम लोग को किसको किस ऐप को लाना है, किस ऐप को नहीं लाना है, हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी वहीं पे गाइस, अगर हम लोग को सेटिंग करना है कि हम लोग को क्या क्या चाहिए यहाँ पे, जैसे हम लोग को स्मार्ट सेलेक्ट चाहिए, टास्क चाहिए, वेदर, टूल्स, और अगर कॉन्टैक्ट भी चाहिए शॉर्टकट में, तो हम लोग को वो भी हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चार एक चीज़ छोड़ के सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज पैनल को अगर मैं निकालूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड करके सब कुछ है अवेलेबल यहाँ पे। कंपास भी यहाँ पे काम करेगा गाइस, जैसा मैं काम आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा फीचर, मुझे सबसे अच्छा फीचर यही लगा है गैलेक्सी M51 में एंड्रॉयड 11 One UI Core 3.1 के ये अपडेट के बाद। तो गाइस, सबसे अच्छा जो है यही है, सबसे अच्छा मुझे यही लगा। वही बात करें गाइस अगले फीचर की, तो गाइस यहाँ पे शटर बटन को आप देख सकते हैं, शटर बटन बिल्कुल भी यहाँ पे पूरा तरीके से चेंज हो गया है, ब्लर हो गया है। पहले अलग आता था, अब पीछे का बैकग्राउंड भी हम लोग को देखने को मिलता है, ब्लर हो गया। वहीं पर अगर हम लोग ऐप आइकॉन को भी ओपन करें तो यहाँ पर भी ब्लर ही आ गया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये अभी का वाला आइकॉन। और उससे भी ज़्यादा अच्छा गाइस, यहाँ पर वॉल्यूम जो की है गाइस वो चेंज हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम की को अच्छे से। और यहाँ पर एक बात ये भी है गाइस, अगर हम लोग इसको पहले वॉल्यूम क्योंकि मैं ऐसे यूज़ करता था, जैसे वॉल्यूम मैंने डाउन कर दिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अगर अगर हम लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे तभी डाउन होगा, बट अगर हम लोग ऐसे बार बार टैप करेंगे तो ये वर्क नहीं करता है। हम लोग इसको एक बार टैप करके इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बाकी और पूरे जो वॉल्यूम की हैं उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और बार बार टैप नहीं करना है गाइस, हम लोग को लॉन्ग टैप करना है तभी ये वर्क करेगा, और अगर हम लोग बार बार टैप करेंगे तो ये वर्क नहीं करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। वहीं पे गाइस अगर हम लोग बात करें मल्टी विंडो की, तो मल्टी विंडो की अगर बात करें गाइस, तो अगर जैसे मैं कोई ऐप को ओपन करता हूँ, देन अगर गाइस अगर कोई ऐप को ओपन करके मैं उसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, देन और भी कोई ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे पिक्सार्ट हो गया गाइस, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो पॉपअप व्यू है वो पहले आता था या फिर नहीं आता था, बट यहाँ पे गाइस हम लोग बैकग्राउंड में यूट्यूब को चला सकते हैं, इससे बड़ी बात और कोई भी नहीं होगी गाइस। जैसे मैं इस वीडियो को रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे गाइस ऐड आ रहा है, इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा गाइस तो नहीं चलेगा। बट गाइस ये फीचर अभी अभी आया है, मुझे ऐसा लगता है कि गाइस अगर हम लोग इसको पॉपअप कर देंगे, पहले भी था शायद ये, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बट पॉपअप करने के बाद जो कस्टमाइजेशन का जो पॉपअप करने के बाद जो कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है वो चेंज हो गया यहाँ पे। अगर हम लोग को इसको बड़ा छोटा करना है या फिर कट करना है गाइस, तो बड़ा छोटा करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों फिंगर के साथ इसको यूज़ करने के बाद ये छोटा हो जाएगा। और अगर हम लोग को इसको उठा करके कहीं ले जाना है, ये आप देख सकते हैं गाइस, इस ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है यहाँ पे ब्लू कलर, उसको हम लोग टैप करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसी बटन में सब कुछ है गाइस। पहले कट का बटन ऊपर ही हम लोग को देखने को मिलता था, पर इस ब्लू बटन को हम लोग जब टैप करेंगे, ये वाला ब्लू बटन जब हम लोग टैप करेंगे गाइस, तो उसी के बाद ये जो है वो वर्क करेगा। जैसे कि अगर हम लोग इसको छोटा करना है या फिर अदर फीचर या फिर इसको और ज़्यादा इसको
ब्लरी करना है गाइस, जैसे हम लोगों को पीछे का बैकग्राउंड भी देखना है तो इसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसको फिर से वो कर देता हूँ। देन गाइस अगर आपको इसको बड़ा करना है फुल, तो यहाँ पे गाइस ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। इसको हम लोग मिनिमाइज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं गाइस, ये बहुत अच्छी फीचर मुझे लगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर हम लोग को इसको कट करना है या फिर बड़ा करना है तो ये सारी कीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं अब इसको कट कर देता हूँ। और वहीं पे गाइस अब मल्टी विंडो की बात करें गाइस, तो मल्टी विंडो में भी नया फीचर आया है गाइस। स्प्लिट अगर हम लोग को इसको करना है, देन अगर हम लोग को कौन सा चाहिए गाइस, हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, दोनों एक साथ। तो जो एज पैनल है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एज पैनल को आप ऑन करके रखो, ये बहुत अच्छी बात है गाइस। और गाइस मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ बैटरी जो कंजप्शन है वो कैसा है, बाकी सेपरेट वीडियो तो आया ही है, बाकी आप यहाँ पे भी सुन लीजिए गाइस। यहाँ पे जो एज मैंने गाइस, मैं आपको बता दूँ एक प्रैक्टिकल, अभी मेरा बैटरी आप देख सकते हैं 60% है और अभी 4 PM हो रहे हैं, मतलब शाम के 4:14 हो गए हैं। और मैंने फ़ोन को गाइस सुबह 7:30 चार्जिंग से निकाला था, तब मेरे फ़ोन में 96% बैटरी था। मैंने 100% टोटल चार्ज नहीं किया। मैंने गूगल मीट में ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दिया, सब कुछ किया। देन गाइस सुबह 7:30 से अभी 4:14 हो रहे हैं और अभी मेरे 60% बैटरी बचे हुए हैं। मैंने इंस्टाग्राम चलाया गाइस, रील चलाया। मेरे इंस्टाग्राम में मेरा पेज भी है जहाँ पे मैं उसको हमेशा यूज़ कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं वहाँ पे, यहाँ पे मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ गाइस इंस्टाग्राम में। तो इसकी वजह से, और मैं रील भी चलाता हूँ, तो आपको पता है जब हम लोग गूगल मीट यूज़ करते हैं गाइस तो उसमें बहुत ज़्यादा बैटरी और डाटा कंजप्शन होता है। इंस्टाग्राम में भी बहुत ज़्यादा बैटरी और डाटा कंजप्शन होता है। तो आप समझ सकते हैं गाइस, मैंने दिन भर यूज़ किया है मोबाइल को, दिन भर व्हाट्सअप वगैरह मैं अटैच रहा, मेरा एग्ज़ाम था इधर उधर, मैंने कॉल में अटैच था, दिन भर मैंने यूज़ किया फ़ोन को ऐसा नॉर्मल से गाइस, हैवी थोड़ा सा बोल सकते हैं। अब हार्डकोर गेमिंग तो मैंने नहीं किया बट गाइस हैवी यूज़ इसको भी बोल सकते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो इस वजह से गाइस जो अभी बैटरी है वो 60% मेरा बचा हुआ है। तो ये चीज़ गाइस मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बैटरी का जो कंजप्शन है वो एंड्रॉयड 11 अपडेट के बाद थोड़ा सा स्लाइटली बेटर हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि पहले गाइस थोड़ा बैटरी जल्दी लो हो जाता था, मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम था। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, आपको शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे। बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा की, तो कैमरा में गाइस बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कैमरा ऐप को मैं ओपन करता हूँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा मेरा ऑन हो गया है। तो कैमरा ऑन हो गया है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ अपने हाथ से यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं गाइस वो सिंगल टेक में मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। सिंगल टेक में गाइस हम लोग को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हम लोग को फिल्टर फोटो, स्पीड इफेक्ट क्लिप देखने को मिलता है, वाइड क्रॉप शॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है जो पहले नहीं मिलता था। और वहीं पे गाइस जो फोकसिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अभी। जैसे मैं अगर आपको एक डेमो दिखाऊं गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फोकसिंग है अभी मैंने फ़ोन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है फोकस करने का। अब आप फट से देख सकते हैं यहाँ पे फोकस करने से स्टार्ट कर दिया, फोकसिंग इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है गाइस। और उसके बाद गाइस बात करें यहाँ पे जो लॉक आइकॉन है वो भी चेंज हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग डायरेक्ट यहीं से लॉक कर सकते हैं। अगर हम लोग को इस सब को कम ज़्यादा करना है, अगर हम लोग को ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कवर कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं हम लोग को कौन सा लेवल का चाहिए था। और यहाँ पे साथ में गाइस हम लोग को वीडियो जो है वीडियो मोड में यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम अल्ट्रा HD 30 FPS, फुल HD 30 FPS, HD यहाँ पे मतलब 720p, फुल HD 1080p, या फिर हम लोग को अल्ट्रा HD चाहिए तो हम लोग यहाँ से ही डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कैमरा में। और कैमरा में गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है अभी। सेल्फ़ी कैमरा की मैं आपको बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ़ी बहुत ज़्यादा सही हुआ है अभी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे पूरे दिख रहे हैं, गर्मी बहुत बढ़ गई है, सब कुछ आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं फ़ोटो को अटैच भी कर दूंगा गाइस साइड में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस सेल्फ़ी कैमरा मैंने अभी अभी सेल्फ़ी लिया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड दिख रहा है मुझे। पहले थोड़ा सा पिंकिश टोन भी आता था, वो भी ख़त्म हो गया है अभी, और ये बहुत अच्छा लग रहा है गाइस इस टाइम। और वहीं पे गाइस मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स अटैच करूँगा, वहाँ पे आप देख लेना गाइस, क्योंकि मैंने चलते हुए ट्रेन से फ़ोटो लिया था। तो जो ट्रेन से फ़ोटो जब मैंने लिया तो उसकी क्वालिटी आप देखना गाइस। उस टाइम ट्रेन जो था गाइस वो काफ़ी स्पीड में था, 90-100 का स्पीड रहा होगा गाइस, बहुत सही आया है। तो कैमरा के मुकाबले गाइस ये फ़ोन बहुत अच्छा है। और साथ में गाइस जो इसका वेदर है वो बीच में आ गया है गाइस, पहले ये साइड में था, अब साइड में ये नहीं जा रहा है।
तो आप बताना कमेंट में कि गाइस ये अच्छा है कि या फिर नहीं है। बाकी अगर आपको कुछ भी कस्टमाइज़ करना है तो आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके आप कर सकते हैं, आपको थीम वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। बट गाइस अभी भी यहाँ पे बिग्सबी हम लोग को देखने को नहीं मिला है, तो ये एक थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर सकती है। बिग्सबी देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं गाइस। तो गाइस बाकी जो फीचर्स हैं वो पहले भी थे, उसी टाइप के थे, बस थोड़े से इधर उधर हुए हैं, तो उसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है और टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो टॉप फीचर्स थे गाइस, जो टॉप चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर आपने अपडेट नहीं किया है, तो मैंने आपको बता दिया है। और भी कोई भी चेंजेस जो है गाइस वो मुझे नहीं देखने को मिले हैं। तो गाइस होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।